नमस्कार दोस्तों, यूटीवी न्यूज 24 की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, इसमें कुछ भी हो सकता है। बड़े बड़े रिकॉर्ड टूटते भी रहते हैं, बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते भी रहते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जिस खिलाड़ी के बारे में आप सोच नहीं सकते कि यह वाला खिलाड़ी आज जितने रन बना सकता है, वही खिलाड़ी आकर चौके छक्कों की बारिश स्टार्ट कर देता है। तो गाइस, आज रिद्धिमान सहा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है, कमाल कर दिया है। अगर आप भी जानना चाहते हो रिद्धिमान सहा की इस तूफानी बल्लेबाजी के बारे में, तो इस वीडियो को एक लाइक कर लीजिए और देखते रहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज आईपीएल 2020 के 13वें सीजन का 47वां मुकाबला दुबई के मैदान पर हैदराबाद वर्सेस दिल्ली के बीच में खेला गया, जहां पर सबसे पहले दिल्ली ने टॉस जीतने के बाद बॉलिंग चुनी और हैदराबाद की ओर से ओपनिंग करने के लिए आई रिद्धिमान सहा के साथ डेविड वार्नर। जी दोस्तों, डेविड वार्नर ने अपनी तूफानी पारी खेली। मगर दोस्तों हमें सबसे ज्यादा तारीफ करनी होगी रिद्धिमान सहा की। जी दोस्तों, रिद्धिमान सहा ऐसे बल्लेबाज हैं जो कभी कभार चलते हैं, मगर दोस्तों जो चलते नहीं है वो फिर दौड़ते हैं। रिद्धिमान सहा ने मात्र 45 गेंदों का सामना करते हुए 12 चौके और 2 गगनचुम्बी छक्के की मदद से 193.33 की स्ट्राइक रेट के साथ, जो दोस्तों लगभग 200 की स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी की है रिद्धिमान सहा ने, और 87 रन की विस्फोटक पारी खेल डाली। और दोस्तों हैदराबाद के बल्लेबाजों ने दिल्ली के गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए, और दोस्तों मात्र 2 विकेट गंवाने के बाद, जब दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, मात्र 2 विकेट गंवाने के बाद 20 ओवर में 219 रन का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया दिल्ली की टीम के सामने, जो कि बहुत ही बड़ा स्कोर लगता है किसी भी T20 मैच में। तो गाइस, अगर आप भी रिद्धिमान सहा को महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, और आप चाहते हो कि क्रिकेट वाली वीडियो आप सबसे पहले देखें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना भी ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए यूटीवी न्यूज 24।